हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, जो कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है, जो इजी भी है एंड ये अच्छा है कि हम इसको पहले कवर कर लें, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट जो है ये चैप्टर का, वो है चाइनीज़ प्रिंट कल्चर से, यानी कि चाइना में प्रिंटिंग कल्चर कैसे आया उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है ये, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। तो सबसे पहला जो प्रिंट टेक्नोलॉजी जो डेवलप्ड हुआ था, वो ये तीनों जगह में हुआ था, चाइना, जापान एंड कोरिया। दिस वॉज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। तो वो सिस्टम क्या था, हैंड प्रिंटिंग, यानी कि हाथ से प्रिंटिंग करने का पहले सिस्टम चलता था, फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स। तो 594 AD के बाद से बुक इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। तो वहाँ पर जो प्रिंटिंग होता था, वो क्या करते थे कि पेपर को वुडन ब्लॉक्स रहता था, उसमें इंक लगाकर उसको रब करते थे पेपर को, उसमें तो क्या होता था, वो प्रिंट हो जाता था। एज बोथ साइड्स ऑफ द थिन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड, द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइट। मतलब क्या है कि वहाँ उसका जो पेपर होता था वो पोरस होता था, यानी कि उसमें छेद होते थे, और क्या होता था, वो थिन होता था, पतला होता था। तो इसकी वजह से दोनों साइड तो प्रिंट नहीं कर सकते थे, तो एक ही साइड प्रिंट करते थे पेपर का, और उसको फोल्ड करके रखते थे, फोल्ड करके एक साइड से उसको सिल दिया करते थे, स्टिच करते थे। तो उस बुक को हम लोग बोलते हैं अकॉर्डियन बुक, ठीक है, जो चाइना में स्टार्ट हुआ था। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। तो जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जो होते थे वहाँ के, वो उस बुक को, जो प्रिंटेड बुक था, उसको कॉपी करके कॉपी बनाते थे, उसका डुप्लीकेट बनाते थे कैलीग्राफी की मदद से। तो कैलीग्राफी तो पता ही होगा, जो स्टाइलिश हैंड राइटिंग होता है उसको बोलते हैं। द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो जो चाइना का इम्पीरियल स्टेट था, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता था प्रिंटेड मटेरियल का। चाइना पोजेस्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो चाइना के पास था एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल मिल के काम करते हों, गवर्नमेंट चलाते हों, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। तो वहाँ पर चाइना में ऐसा ही था, और वहाँ पर क्या करते थे, इसके लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम जैसे अभी कंडक्ट होता है इंडिया में, वैसे ही वहाँ पर भी एग्ज़ाम कराया जाता था, और उससे रिक्रूट करते थे लोगों को। ठीक है, टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इम्पीरियल स्टेट। तो टेक्स्ट बुक प्रिंट होते थे वो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो फ्रॉम द 16th century द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वर अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। तो क्या हुआ 16th century के बाद में कि कैंडिडेट जो थे एग्ज़ाम देने वाले, वो बढ़ गए, है ना। तो क्या हुआ कि प्रिंटिंग जो था, वॉल्यूम ऑफ प्रिंट जो था वो भी बढ़ गया, यानी कि प्रिंट ज़्यादा होने लगा। बाय द 17th century के पास क्या हुआ कि एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, जैसे ही अर्बन कल्चर वहाँ आने लगा, यानी कि शहरों वाला जो कल्चर है वो आने लगा, यानी कि डेवलप होने लगा, द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। तो प्रिंट जो है वो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने लगा। प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। तो उस समय क्या होता था, सिर्फ प्रिंट जो है वो ना ही सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल ही यूज़ नहीं करते थे, और भी लोग यूज़ करते थे। ठीक है, स्कॉलर ऑफिशियल यानी कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो गए, ठीक है, वो लोग। मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन एवरीडे लाइफ। तो मर्चेंट जो थे, जो ट्रेड करते थे एक सामान को बेचना खरीदना ये सब चीज़, तो वो लोग भी अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए प्रिंट का यूज़ करने लगे। ठीक है, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर कल्चर। और रीडिंग, पढ़ने का भी लोगों का क्या हुआ, इच्छा जागने लगा, और पढ़ने को भी मतलब फ्री टाइम में लोग रीडिंग प्रेफर करने लगे। द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड। तो जो न्यू रीडर जो थे वहाँ के, वो क्या प्रेफर करते थे पढ़ने के लिए, फिक्शनल नैरेटिव, यानी कि कहानियाँ, जो बनाई हुई कहानियाँ होती हैं वो सब, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेसी, मास्टरपीसेस, यानी कि एंथोलॉजी यानी कि कलेक्शन, एक बुक,
ठीक है, बुक किसका, बुक मास्टरपीस जो होता है वो सबका एक बुक, रोमांटिक प्लेस पढ़ते थे, ठीक है। और क्या होता था, रिच वुमेन बिगेन टू रीड, रिच वुमेन जो थी वो भी पढ़ने लगी, एंड मैनी वुमेन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेस, और बहुत सारे वुमेन जो थे वो स्टार्ट कर दिए पब्लिश करना अपने प्लेस को, अपनी पोइट्री को, ठीक है। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स, स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश देयर वर्क, तो स्कॉलर ऑफिशियल की जो वाइफ थी वो भी पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए, एंड कोर्टिसंस रोट अबाउट देयर लाइफ, कोर्टिसंस यानी कि जो प्रोस्टिट्यूट लोग होते हैं वो लोग जो अपर क्लास के लोगों के लिए वर्क करते हैं, तो वो लोग भी क्या करने लगे, अपने लाइफ के बारे में लिखने लगे। द न्यू रीडिंग कल्चर वॉज एकम्पेन्ड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी, फिर क्या हुआ वहाँ पर, न्यू रीडिंग कल्चर आया तो एक नया टेक्नोलॉजी आया, नया टेक्नोलॉजी क्या आया, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वहाँ पर आया वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि मशीन से चलने वाला प्रिंटिंग डिवाइसेस वहाँ पर आया, वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी, कब आया, लेट 19th सेंचुरी में, एज वेस्टर्न पावर एस्टैब्लिश्ड एयर आउटपोस्ट इन इंडिया, जैसे वेस्टर्न पावर जो आई इन चाइना में, वेस्टर्न पावर्स आई तो क्या हुआ कि वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स भी आए और मैकेनिकल प्रोसेस यानी कि मशीन से होने वाली प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर, तो शंघाई जो है जो अभी चाइना का सबसे बड़ा सिटी है, तो फाइनेंशियल हब भी है, तो शंघाई क्या हुआ, एक हब बन गया प्रिंट कल्चर का, न्यू प्रिंट कल्चर का। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वॉज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, तो अब क्या हुआ, हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में चाइना जो है वो शिफ्ट होने लगा। ये वुडन ब्लॉक्स है जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, ठीक है, ऐसे इसमें था, और इसमें पेपर रब करके प्रिंट किया जाता था। ये मैं एडी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, एडी को बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, क्योंकि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, है ना, बिफोर क्रिस्ट होता है बीसी का मतलब, तो वैसे एडी का मतलब जो है आफ्टर डेथ नहीं होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज है, और इसका जो मतलब होता है एनो डोमिनी का, वो होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड द ईयर जीसस वाज बॉर्न, मतलब कि जब जिस ईयर में जीसस बॉर्न हुए थे, ठीक है, अगर 594 एडी है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जिस ईयर में जीसस बॉर्न हुए थे उसके बाद के 594 ईयर, ठीक है, उसके बाद, तो ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है, उसके बाद के 594 ईयर। ये भी एक वुडन ब्लॉक है और ऐसे इसका प्रिंटिंग होता था पहले, इसमें इंक लगा के पेपर में प्रिंटिंग होता था। ये होता है एकॉर्डियन बुक, जहाँ पर क्या होता है कि ऐसे ही एक साइड ही प्रिंट होता है और उसको ऐसे मोड़ मोड़ के फोल्ड करके उसको एक साथ करके एक जगह स्टिच कर दिया जाता है एक साइड में। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।